वाद विवाद है। सरकार का कहना है कि बजट का आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आप लोग के समय कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल है, बजट का आकार केवल जनता के बीच में पेश किया जाता है, लेकिन जनता का वो बजट जो है, कहती है कि जनता का बजट है ये, लेकिन जितना प्रावधान किया गया है पैसे का, उसमें 58,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुए हैं और एक महीना में करना है खर्च। वो कहीं ना कहीं लूटपाट करने की मंशा है, इसलिए सरकार केवल बजट लंबा करती है कि इतना आकार मेरा हो गया है, लेकिन सरजमीन पर वो खर्च नहीं होती है। इसलिए 58,000 करोड़ रुपया आप एक महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, डेढ़ महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, ये आपको बताना होगा। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, जरा नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज चल रहे हैं? नीतीश कुमार। किनसे नाराज चल रहे हैं? बात में काफी अब नाराजगी दिख रही है। असल में सवाल है कि उनका काम तो मैंने पहले कहा था वो कुर्सी कुमार है, और किसी ने कहा था बीजेपी के लोगों ने कि इब्राहिम दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाना हो मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो मिला सकते हैं। वो नाराज कब होंगे, कब खुश होंगे, हमको समझ में नहीं आती है। वो बड़ी ही विचित्र तरह के लोग हैं और बिहार से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, न बिहार के लोगों को लाभ उनसे मिल रहा है। लेकिन आज तक एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका, इसलिए हमारी मांग है कि युवाओं को झांसा देना बंद करो, और जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने, उस रोजगार को 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे, यही हमारा मुद्दा है। और झांसा देना बंद करे सरकार, नहीं तो गद्दी छोड़ दे। कल तो ये रोज झांसा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे देश के प्रधानमंत्री, ये लोग तो झांसा देते हैं और जुमलेबाजी करते हैं, और रोज जनता जुमलेबाजी सुनती है, कहीं कुछ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 16 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं, आज तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका।